मैं ये जानना चाहती हूँ इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम स्पीकर सर, जनरल में भी आप ईडब्ल्यू मैं पूछना चाहता हूँ, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर क्यों नहीं है? आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके, उपाध्यक्ष अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही हूँ, बयान उपाध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बयान देते हैं हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय मैंने ये कहा हम पूरे देश में करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी पहले लीडर है नहीं, मंत्री जी पहले इस बात में चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का, भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी पहले मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज, आप बैठो एक बार उपाध्यक्ष, ये क्या हिम्मत बता रहे हैं? मंत्री जी बैठिए प्लीज, आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि एक विधायक जब बोलेंगे ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, ये बात करे वर्गीकरण आप जवाब देते समय, मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूँ मैं, आपने स्पीकर सर सवाल इस बात सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए वो पहले सोचो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों हरियाणा में जो नई बनी सरकार है उनका विधानसभा सत्र जो है उनका कल पहला यानी कि 13 नवंबर को पहला दिन था और पहले ही दिन सरकार ने और जो राज्यपाल थे उन्होंने सरकार ने जो अपनी नीतियां बनाई है उसका एक रोड मैप जो है वो सेशन में रखा और उस रोड मैप के तहत बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जहां पर जो विपक्ष है विपक्ष को ऑब्जेक्शन हुआ और विपक्ष ने उस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ही एक प्रकरण हुआ जहां पर हम बात करें आरक्षण के वर्गीकरण की। आरक्षण के वर्गीकरण की जब बात हुई मुख्यमंत्री ने आरक्षण के वर्गीकरण का ऐलान किया क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसको लागू करना था। जब मुख्यमंत्री ने उसको लागू करने की बात की तो हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना जिसमें आरक्षण का जो वर्गीकरण है उसको लागू किया गया। इस पर विपक्ष की जो नेता थी, विपक्ष की एक लीडर विधायक गीता बुक्कल, उन्होंने इस पर कुछ ऑब्जेक्शन किया तो इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और वो तिल मिला गए। हालांकि इस चीज पर कहीं ना कहीं स्पीकर ने ऑब्जेक्शन किया और स्पीकर ने उनको बैठने के लिए भी बोला, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से तिल मिला गए थे कि उन्होंने स्पीकर की बात को भी अनसुना कर दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं इस सारे प्रकरण पर। मेहरा साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब कल विधानसभा का सत्र हुआ उसका पहला दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए जो रोड मैप बनाया उस पर कल चर्चा हुई, उस पर गवर्नर साहब ने राज्यपाल ने अपना अधिभाषण दिया, मुख्यमंत्री ने आरक्षण के वर्गीकरण की बात की, उस पर गीता बुक्कल ने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अनुसूचित जाति को दो वर्गों में बांट रहे हैं, इस पर कृष्ण बेदी जो है वो तिल मिला गए, उनके तिल मिलाने का क्या कारण रहा होगा? देखिए राजेंद्र जी, जो आपने विधानसभा सत्र की बात की है, ये विधानसभा सत्र के जो सरकार ने नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में बनी है जी जी, उसने एक अपना रोड मैप तैयार किया है कि किस पर किन योजनाओं के तहत और किस प्रकार से पूरे प्रदेश के लिए डेवलपमेंट का जो है काम किए जाएंगे, वो रोड मैप जो तैयार किया उस रोड मैप को बताने के लिए सरकार द्वारा विधानसभा में बताने के लिए और ये इस सत्र का आयोजन किया गया है और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सरकार का जो उनकी सरकार का जो रोड मैप है वो उसके बारे में जो बताया और अपना अभिभाषण भी दिया और उसके बाद माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संबोधन के बाद स्वाभाविक है सरकार में और विधानपालिका में चर्चा होनी थी और उस चर्चा में सभी जो विपक्ष के विधायक थे और सभी विधायकों ने भाग भी लिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विधायक भी बोल रहे हैं हालांकि लेकिन जो गीता बुक्कल है जो झज्जर से विधायक हैं उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और अपने चर्चा में भाग लिया और अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने
अलग अलग विषय को टच किया, जैसे हरियाणा में महिलाओं के से संबंधित विषय, रोजगार की बात की उन्होंने, रोजगार की बात की और उन्होंने युवाओं की बात की, किसानों की बात की, सभी तरह की बातों पर उन्होंने फोकस रखा। लेकिन उन्होंने आरक्षण में जो सरकार ने जो नई बनी सरकार ने आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है वो मुद्दा भी उन्होंने टच किया। और जो ही वो आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा गीता बुक्कल ने विधानसभा में टच किया तो एकदम जो हरियाणा सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी जी, उन्होंने एकदम उनको रोकने की कोशिश की और दमदमाई और कहीं कहीं विषय को जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो वो वर्गीकरण किया गया है वो किस उद्देश्य से सरकार लेके आई है उसका पक्ष जो रखने की बजाय वो कहीं कहीं राजनीतिकरण उसका करने की उन्होंने कोशिश की। और हालांकि गीता बुक्कल ने जो कहा इस आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने ये बहुत जल्दी में लिया फैसला है इस सरकार का और इसमें कहीं कहीं अच्छी जो एक सर्वे करवा के और सर्च करके ये निर्णय लागू करने की जरूरत हो सकती थी। और निश्चित रूप से ये 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उन्होंने ये कहा था कि कोई भी स्टेट आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि गीता बुक्कल ने भी बताया कि ये जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला है जो सरकार एक जो वंचित से वंचित वर्ग है उनको जो लाभान्वित करने के लिए फैसला लागू कर सकती है लेकिन इसमें इसमें कहीं कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट उनका माइलेज लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये विशेष रूप से अपने फैसले में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। लेकिन इस पर ही आगे बढ़ाते हुए गीता बुक्कल ने ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने राजनीतिकरण इसको किया है और राजनीतिक लाभ लेने की वजह से ये फैसला जो लिया गया है, इस पर बार बार वो गीता बुक्कल उस फैसले पर बोलती रही। लेकिन जो उन्होंने जो सरकार ने वर्गीकरण जो किया है वो कहीं ना कहीं उसको उनको सरकार के पक्ष में और इस फैसले को लागू करने के किस प्रकार से वो उन्होंने रोकने की कोशिश की कृष्ण बेदी ने। और अपने जो चर्चा का जो अभिभाषण वो था विषय था उसमें गीता बुक्कल ने ये भी कहा कि आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमें मान्य है, सर्वोपरि है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। लेकिन इससे इससे कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो जो अनुसूचित जाति की कैटेगरी के वर्गों का जो बैकलॉग जो खाली पड़ा है वो कहीं ना कहीं उसको भी भरा जाए। बिल्कुल। और जो अनुसूचित जाति के लोगों के जो बेनिफिट की योजनाएं थी, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो चाहे दूसरी योजनाएं, वो भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, इस बारे में भी सरकार को मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। और बार बार उन्होंने ये कहा कि इनमें कहीं ना कहीं एक शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में एक फूट डालने का सरकार ने जो काम किया है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें उन कैटेगरियों में कई प्रकार की जो एक जो ए बी सी की कैटेगरी है उनमें 50% से भी अधिक पद उनमें अलग अलग से खाली हैं। जी, गीता बुक्कल ने अपनी इस चर्चा में जो बैकलॉग जो अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग पड़ा है वो भरने की बात कही और रोस्टर सिस्टम जो है जो अभी तक लागू नहीं किया गया वो लागू करने की बात कही है। और यहाँ तक कि उन्होंने जो कर्मचारी कच्चे लगे हुए हैं उनको पक्के करने की बात कही है और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो डी ग्रुप में जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक भी कर्मचारी पक्का नहीं है, पहले उनको पक्का किया जाए और इसके बाद जो वर्गीकरण का फैसला है एक सर्वे के आधार पर लिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक संख्या का आंकड़ा हमारे सामने होना चाहिए, संख्या के आंकड़े के आधार पर ही ये निर्णय लिया जाना चाहिए, ये लागू किया जाना चाहिए। मैंने साहब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कहीं अगर आप बात करें आरक्षण के वर्गीकरण की, हो सकता है सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला हो क्योंकि सरकार ने सोच समझ कर फैसला लिया होगा, लेकिन इससे पहले जातीय जनगणना जो है उसका होना बहुत जरूरी था क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है।
निश्चित रूप से जाति जनगणना के बाद ही एक जो सही आंकड़ा है वो सामने आ पाएगा, और इनमें 60-80 से भी ज्यादा जातियां अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आती है, और उससे ये पता चलेगा कि किस जाति को आरक्षण से अभी तक ज्यादा लाभ हुआ है और कौन सी जाति अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से वंचित रही है, और जो बिल्कुल पूरी तरह से वंचित जातियां रही हैं उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनानी चाहिए ताकि वो लोग इसका आरक्षण का लाभ उठा सकें और वो एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में और आगे निकल पाए। कहीं कहीं इस तरह का जो सर्वे है वो करवाना चाहिए सरकार ने। हालांकि अभी जो उन्होंने जो फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है ये आरक्षण में वर्गीकरण का, जो अनुसूचित जाति आयोग है उनके जो आंकड़े, उनके पास बहुत पुराने आंकड़े हैं 2011 के आंकड़े, उन आंकड़ों के हिसाब से लिए उन्होंने जो आंकड़े विभिन्न सोर्सेज से इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों पे के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन अभी तक 2021 में जो जनगणना होनी थी वो जनगणना हुई नहीं है, और लेटेस्ट आंकड़े क्या है, किस जाति में किस को ज्यादा बेनिफिट हुआ है और किस जाति की कितनी जनसंख्या है, वो अभी तक आंकड़ा सरकार के पास मुझे लगता है नहीं है। और ऐसे में एक अच्छा होमवर्क करके सरकार ने निर्णय लागू करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के आगे बिल्कुल नहीं आए। जी मेरे सब विधानसभा सत्र की ही बात करते हैं, गीता बुक्कल के जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे और बीच में कृष्ण बेदी जो है बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे थे, तिल मिला रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कहा कि आप बजाय इसके कि आप उनको बोलने से रोकें, आपको जो सही तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था चीजों को, और आपको ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस के समय में भी ये लागू हुआ था। तो कृष्ण बेदी का जो रवैया था वो कितना सही और कितना गलत था? देखिए, फिर भी कृष्ण बेदी जी ने ये कहा कि आप इस मुद्दे पर जो अपने लीडर हैं, यहाँ तो आपका लीडर नहीं है, इतना तक उन्होंने हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आपके पास प्रदेश में या देश में कहीं भी कोई लीडर नहीं है, आपके लीडर इस बात पे ऊपर जो लीडर है वो इस बात पे ध्यान दें जी। तो इसकी ये इतना ये इस प्रकार की जो उन्होंने बात कहकर एक मामले को राजनीतिकरण उसका करने की कोशिश की। हालांकि भूपेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी तरफ इशारा भी किया कि आपने जो कहना था वो नहीं कहा और जो नहीं कहना था वो आपने कह दिया। उनका सीधा सीधा इशारा ये था कि जो आपने आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो निर्णय लिया है उसके पक्ष में आपने बात करनी थी कि इस वर्गीकरण से किस प्रकार से इन लोगों को फायदा हो सकता है, वो बातें आपने बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और कहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये 94 में कांग्रेस सरकार ने भी किया था, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जो बाद में वापिस हुआ जी, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी हुआ था। उनका सीधा सीधा ये कहना था, कृष्ण बेदी जी को ये कहना चाहिए कि किस उद्देश्य से किस प्रकार से वंचित जो शेड्यूल कास्ट इसका कैसे फायदा मिल सकता है, कैसे फायदा मिल सकता है, वो बात उनको बताना चाहिए थे, ना कि राजनीतिकरण करना चाहिए था जी। जो उनका बिहेवियर था वो सही नहीं था। अब बात करते हैं, अगर आरक्षण के वर्गीकरण की बात करूं तो इसका जो लाभ है वो आरक्षित जो जातियां हैं उनको कैसे मिल सकता है, वंचित से वंचित भी जो जातियां हैं उनको, उन तक ये लाभ कैसे पहुंच सकता है? देखिए राजेंद्र जी, हरियाणा में अगर अनुसूचित जाति की संख्या की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 20.40 के आसपास उनका एक अनुसूचित जाति की संख्या है, 20 और 21 के बीच में है, और उसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा वो ए कैटेगरी को उसमें कहीं ना कहीं माना जाता है। फायदा अब तक बेनिफिट जो मिलता रहा है ए कैटेगरी को मिलता रहा है, ए कैटेगरी को नो, ए कैटेगरी में जो पहले 94 में जो ए कैटेगरी में जातियां शामिल की गई थी जी, वो 36 वो ज्यादा जातियां शामिल की गई थी, जिसमें वो है जिसमें हम बात करते हैं जो 66 जातियां शामिल की गई थी, इसमें वाल्मीकि है, भंगी है, धानक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी सिख है, और आधर्मी है, अहेरिया है, अहेरी है, हेरी है, और थोरी, तूरी, कोरी, कोली, राय सिख, पासी, बटवाल, ये 66 जातियां इसमें आती हैं। ए कैटेगरी में उनको शामिल किया गया था जी। और बी कैटेगरी में जो शामिल किया गया था उनमें जो आजकल अन्य अनुसूचित जातियों की बात करते हैं तो उनमें आती हैं रेगर है, रामदासी है, रविदासी है,
बलाई बटोई बटोई ही बांबी रोहिदास जाटव जाट मोची रामदासिया इस प्रकार से 15 जातियां इसमें बी कैटेगरी में आती है जी। तो संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं जो ज्यादा संख्या है वो ए कैटेगरी में होती है आती है। 30 लाख जो की संख्या है मुझे लगता है बी कैटेगरी में है और 33 लाख के आसपास है ना ए कैटेगरी में है जी। और उस संख्या के हिसाब से किस कैटेगरी में किन जातियों को सबसे आज तक सबसे कम जो है ना आरक्षण का लाभ हुआ है जी, वो कम से कम वो डाटा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और उस डाटा के हिसाब से अगर वो एक सर्वे के हिसाब से अगर इस निर्णय को लागू किया जाता तो मुझे लगता है और बेहतर होता है। निश्चित रूप से जो बी कैटेगरी में जातियां आती है उनको आरक्षण का लाभ हुआ है, लेकिन ए कैटेगरी में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिससे जिनको आरक्षण का बहुत अच्छा लाभ हुआ है। ए कैटेगरी में 2-3 जातियों को छोड़कर बाकी सारी जातियां ऐसी हैं कि उनको बिल्कुल भी मैं समझता हूं नाम मात्र उनको वो अभी तक लाभ ले पाई है जी। और अगर इस तरह से ए 2 कैटेगरियों में ये निर्णय लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि प्रॉपर जिनको फायदा होना चाहिए था जो वंचित से वंचित वर्ग है उनको फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम बात करते हैं ए कैटेगरी में जो जातियों की बात करते हैं मजहबी हैं मजहबी सिख हैं बाजीगर हैं एरिया एहरी हैं कोरी बटवाल बरवाला और बोरिया जुलाहा सहसी भेड़कूट मुनेस डुमना ये इस तरह की बहुत से 2-3 जातियों को छोड़कर मुझे लगता है 60 के करीब ऐसी जातियां जिनको जिनको मुझे लगता है 0.001% भी लाभ उनको नहीं मिला है। और अगर ये जो निर्णय लागू किया गया अगर 2 ही कैटेगरी में लागू किया जाता है तो मुझे लगता है जो वंचित से वंचित वर्ग है उनको कम लाभ हो पाएगा, बिल्कुल लाभ नहीं हो पाएगा, उन तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा। हाँ बिल्कुल, जो ऑलरेडी जो बेनिफिट उठा रही है उनको ज्यादा लाभ होगा। तो आपको ये लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है जो आरक्षण का वर्गीकरण हुआ है कहीं ना कहीं ये वंचित लोगों तक जो पहले वंचित है वो अब भी वंचित ही रहेंगे उन तक उस चीज का वो लाभ नहीं पहुंच सकता। निश्चित रूप से राजेंद्र जी जो वंचित से वंचित वर्ग है उसमें अभी तक एजुकेशन भी नहीं है जी। सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था उनके बच्चे आगे बढ़ पाए ये व्यवस्था भी सरकार करे तो तभी तो उनको फायदा होगा। नहीं तो एजुकेशन नहीं है तो वो इन चीजों को इनका आरक्षण के जो फायदे हैं उन तक पहुंच ही नहीं तो एक कैटेगरी नहीं होती। एक कैटेगरी में डिप्राइव्ड जो एससी कास्ट एससी कैटेगरी है उन लोगों को 2-3 जातियों को उनको फायदा होगा, बाकी जो जो 60 जातियों की हम बात करते हैं वो बिल्कुल डिप्राइव्ड से डिप्राइव्ड होती चली जाएंगी और उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये फैसला मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इस तरह से किया जाता है तो कि वंचित से वंचित वर्ग को फायदा हो तो ये श्रेणी बढ़ाने से ही जो डिप्राइव्ड से डिप्राइव्ड जो ज्यादा वंचित से वंचित है उन लोगों को फायदा देने के लिए तभी एक सार्थक हो सकता है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं जो हम इसकी तो गीता बुक्कुल जी ने बात की थी कि बैकलॉग बहुत हमारा बड़ा है और बैकलॉग की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में सरकारी नौकरियों की बात हम करें सरकारी हरियाणा में सरकारी कुल सरकारी नौकरियां 4.5 लाख हैं जी। और जो नियमित कर्मचारी अब काम कर रहे हैं 2,70,000 नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं 2,70,000 कर्मचारी काम करने के बावजूद जो पोस्टें ओबीसी में खाली हैं 65,000 बैकलॉग ओबीसी कैटेगरी में जी अभी पड़ा है एक बड़ा बैकलॉग पड़ा है जी। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो 62,000 का बैकलॉग बराबर सरकारी नौकरियों का बैकलॉग पीछे। क्लास वन की अगर बात करें तो क्लास वन में केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के 7% पद भरे हुए हैं और सेकंड क्लास की अगर बात करें तो केवल 10% पद भरे हुए सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास की अगर बात करें तो क्लास थ्री की अगर बात करें तो 12% केवल 12% पद भरे हुए हैं और अगर फोर्थ क्लास की अगर बात करें तो फोर्थ क्लास में एक भी नियमित कर्मचारी नहीं है। फोर्थ क्लास में जितने भी कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी विशेष कर्म बात करते हैं। अगर हालांकि अभी डी ग्रुप की जो भर्ती हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत जो नई जो व्यवस्था सरकार ने की है उसमें कहीं ना कहीं अभी
जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग आए हैं, लेकिन क्लास फोर में अगर सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो एक भी नियमित सफाई कर्मचारी नहीं है। तो नियमित रूप से सफाई कर्मचारी अगर लिए जाए तो कहीं ना कहीं ये बैकलॉग भी पूरा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेरा सर, मैं जो आंकड़े आप बता रहे हैं, आंकड़ों को मैं देख रहा हूं, तो आंकड़ों से मुझे एक चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं अगर सिर्फ ये परसेंटेज जो आपने बताई है, जैसे आपने बताई है कि एक आप क्लास वन की बात करते हैं उसमें सिर्फ 7% लोग जो है वो आरक्षित जो है जातियों से वहां पर जो इसमें बैठे हैं, और अगर आप क्लास टू की बात करते हैं उसमें 10% और क्लास थ्री की बात करते हैं तो 12%, और अगर आप क्लास फोर की या सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी पक्का या जिसको कहें नियमित कर्मचारी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके पीछे का कारण क्या उनकी अनएजुकेशन होना, उनका कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, क्या ये एक बड़ा कारण है? नहीं, इन जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की हमने बात करते हैं की है, इनमें योग्यता की कमी नहीं है, योग्य जो है अभ्यर्थी हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन सरकार की कहीं कहीं विल पावर में कमी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो रही हो, चाहे पीछे कोई भी किसी की भी सरकार रही, कहीं कहीं विल पावर नहीं बना पाई वो जो अनुसूचित जाति के जो लोगों का जो बैकलॉग खाली पड़ा है, खाली बैकलॉग है, उसको कहीं कहीं फिलअप नहीं किया गया। और मुझे लगता है इसमें एक सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, एक विल पावर दिखानी होगी, एक दृढ़ इच्छा दिखानी होगी, एक अच्छा निर्णय होगा जो अगर इनकी जो बैकलॉग खाली पड़ा वो बैकलॉग भरा जाए, और बैकलॉग भरा जाएगा तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई किसी भी कैटेगरी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो फैसला, जो निर्णय सरकार ने अभी लिया है, उस निर्णय को अगर हम बात करें तो बात की हमने अदर्स एससी कास्ट की, एससी कैटेगरी की, और एक डेप्राइव्ड एससी कास्टिंग की, डेप्राइव्ड में भी जैसे हमने बात की 2-3 कैटेगरी को छोड़कर बाकी और ज्यादा जो जातियां हैं वो बहुत बहुत वंचित से वंचित जातियां हैं, उनको उनकी तरफ भी अगर सरकार ध्यान देंगे तो मुझे लगता है इस निर्णय की जो है ना सार्थकता और बनी रहेगी और लोगों के काम आएगा और लोगों का मुझे लगता है कहीं जी भला भी हो पाएगा डेफिनेटली। तो जैसे आपने कहा है हरियाणा पहला स्टेट है जी, हरियाणा पहला निश्चित रूप से मानते हैं, हरियाणा ने ये आगे बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो लागू करने का एक फैसला लिया है और लागू किया है हरियाणा में। तो हरियाणा से पहले भी कहीं कहीं कर्नाटक सरकार ने इस पर एक इच्छा जताई है और उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, उस प्रोसेस के तहत हालांकि उन्होंने निर्णय तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने एक इस पर सर्वे का काम एक जस्टिस को दे दिया है, और उन जस्टिस जो है एजे सदाशिव जस्टिस एजे सदाशिव के उसमें नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है जी, और वो आयोग ने एक स्टडी किया है, एक सर्वे किया है कि किन कैटेगरी को और कितना बेनिफिट होना चाहिए और कि कौन सी कैटेगरी को ज्यादा बेनिफिट दिया जा सकता है ताकि वो वंचित ना रहे, और उन्होंने ये भी एक सर्वे किया है कि कौन सी जातियां, कौन सी जो कैटेगरी है वो अभी तक आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाया, ये एक सारा सर्वे करके ना उन्होंने तीन कैटेगरी कर्नाटक में तीन कैटेगरी जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है आरक्षण का जो लाभान्वित वर्ग है तीन कैटेगरी उन्होंने बनाने की बात की है। तीन कैटेगरियों में जैसे उन्होंने एक वाम कैटेगरी है उनको 6% लाभ देने का उन्होंने एक रिपोर्ट छोपी है, एक दक्षिणपंथी एससी कैटेगरी है उनको 5.5% जो लाभ देने की, आरक्षण का जो लाभ देने की बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी है, अन्य जातियां जो छोटी जातियां हैं और जो बिल्कुल वंचित जातियां रही हैं उनमें उनको 5.5-4.5% का जो आंकड़ा है आरक्षण में देने की उन्होंने जो सदाशिव आयोग है उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी है। और इस प्रकार से अगर उन्होंने तीन कैटेगरियों में बढ़ाई है तो मुझे लगता है हरियाणा में या क्या अन्य स्टेट में भी अगर इस तरह से जो कैटेगरी वाइज अगर एक आरक्षण में वर्गीकरण करने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो 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 जरूरतमंद वर्ग है उसको लाभ मिलेगा। हाँ, उस तक जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं, जो भी लाभ सरकार के लाभ देती है इनको, तो आरक्षण का लाभ उन लोगों को डेफिनेटली हो सकता है, उन लोगों को डेफिनेटली मिल सकता है। जी जी जी। सो दोस्तों, सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण किया यानी कि कोटे में कोटा, और सरकार ने
जितनी भी आरक्षित जातियां थी उनको दो वर्गों में बांटा है और उस पर जो है आगे आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि आरक्षण के वर्गीकरण से पहले जातीय जनगणना का होना बहुत जरूरी था। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपका कोई विचार है आप कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।